हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। वैसे मैंने फिगर ऑफ स्पीच की थ्योरी करा दी है, ठीक है, थ्योरी करा दिया है और ट्रिक के साथ कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है जाके ज़रूर चैनल पे चेकआउट करिएगा। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले डाला है, अपलोड किया है। तो आज हम उससे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और जो आपके फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, When the sound of a word resembles the meaning it denotes, the figure of speech is, यहाँ पे कौन सा figure of speech है, यानी कि जब किसी शब्द की ध्वनि उसके अर्थ से मिलती जुलती हो वो क्या दर्शाता है, कौन सा figure of speech इसमें है। तो आपके ऑप्शन में है सैनिक डॉक एंड ओनोमेटोपिया, फिर है प्रोसोपोपिया एंड ट्रांसफर एपिथेट। तो यहाँ पे चारों में से बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपकी ये। सो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमें कुछ नहीं पता है कि हमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जानना है, तो आप सिंपली एक वर्ड देख सकते हैं। मैंने बताया था मेरी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जाके पहले चेकआउट कर लें। फिगर ऑफ स्पीच में मैंने बताया है वहाँ पे की वर्ड दिया है और वहाँ से बाद ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। साउंड, यहाँ का जो की वर्ड है साउंड, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं लेकिन एक वर्ड जानते हैं साउंड। तो मैंने बताया था कि साउंड्स जहां आपका वर्ड आ जाएगा तो बस वो एक ही आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा। वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी, ओनोमेटोपिया। तो यहां पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, एक ओनोमेटोपिया है जो साउंड की बात करता है, ठीक है। अब वो साउंड कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं कि एनिमल साउंड ही हो, कैसी भी साउंड हो, ये साउंड की बात करता है ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी देखेंगे और थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं होगी। बस आप अपना स्कोर करते जाइएगा कितना आपने स्कोर किया है। द रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड, वाउल साउंड की रिपीटिशन, ये भी मैंने पढ़ाया है कि वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है और सीक्वेंस में होती है, नियर बाई वर्ड्स शब्दों के नज़दीक ही होती है, उसे हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे, राइम कहेंगे, रिदम कहेंगे, एसोनेंस कहेंगे या सेजुरा कहेंगे, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हम कहेंगे। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, राइम, रिदम, एसोनेंस या सेजुरा। इसे कैजुरा भी पढ़ते हैं और सेजुरा भी पढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा इसका प्रोनंसिएशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वाउल साउंड की रिपीटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, किसी और साउंड की नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वाउल साउंड की बात हो रही है। मैंने बताया था कि वाउल साउंड की जब बात होगी उसकी रिपीटेशन की बात होगी, सीक्वेंस में होगा, वर्ड्स के बीच में होगा, शब्दों के बीच में भी आपको मिल जाएगा, तो वो एसोनेंस ही कहलाएगा। एलिट्रेशन तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है और कॉन्सोनेंस भी वो कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है, उसे कॉन्सोनेंस कहेंगे। और एलिट्रेशन भी आपका, एलिट्रेशन भी कॉन्सोनेंट साउंड का ही होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है लेकिन बिगनिंग में होता है, ये याद रखना है। किस में रहता है, बिगनिंग में रहता है, यानी कि शुरुआत में उसकी रिपीटेशन होती है, दो से मतलब मोर देन टू, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। तो इम्प्लाइड सिमली का नेम क्या है, इम्प्लाइड सिमली को और किस नाम से हम जानते हैं, मेटाफर, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोली या नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी जिससे आप अपना आंसर चूज कर सके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इम्प्लाइड सिमली को हम मेटाफर भी कहते हैं, सो राइट आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया। तो जो मतलब किसी डेड पर्सन को या कोई एब्सेंट व्यक्ति को या कोई मानवीकृत वस्तु या विचार के प्रति प्रत्यक्ष संबोधन क्या कहलाता है, जैसे किसी डेड पर्सन को हम संबोधन कर रहे हैं या किसी एब्सेंट व्यक्ति को कर रहे हैं या कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं या कोई आइडिया को हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे की पॉइंट याद रखना है, एक की पॉइंट आपको याद रखना है डायरेक्ट, ये आपने याद रखना है की पॉइंट, इसको याद ज़रूर रखना है, ये की पॉइंट्स है, इसको याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आप लोग दिमाग में आएगा कि पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन में है, पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन को भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर
किया जाता है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, बट ये आपका डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, तो डायरेक्ट एड्रेस सिर्फ एक ही करता है, एपोस्ट्रोफी करता है। सो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपेरेंटली। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अगली जो मीनिंग है आपकी, यानी कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जब कोई रियल मीनिंग, कोई रियल शब्द द्वारा व्यक्त अर्थ के ठीक विपरीत हो। जैसे मतलब मैंने समझाया था ये कि जैसे कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हों, ये मैंने समझाया था कि जैसे कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हों और एक्सपेक्ट के तुरंत विपरीत निकले रिजल्ट, हम जैसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हों और उसका विपरीत हम रिजल्ट निकले, उसका विपरीत रिजल्ट हमें मिले, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है? सटायर, आयरनी, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन तो नहीं होगा, ऑक्सीमोरोन तो आप जानते ही हैं कि टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं, ये तो नहीं होंगे। सटायर एक व्यंग है, व्यंग व्यंग, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आयरनी है, आयरनी विडम्बना, मतलब अगर हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जस्ट उसका विपरीत निकल जाए, विपरीत रिजल्ट आ जाए, वो आपका क्या होता है? आयरनी होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई, तो ये क्या था कि पुलिस स्टेशन में तो चोरी नहीं हो सकती ना, लेकिन चोरी हो गई, ये एक आयरनी है। एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या निकल गया। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, व्हाट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच व्हाट इज होगा, नहीं नहीं, व्हाट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस हैंड, मतलब अरब की सारी जो परफ्यूम्स भी इस छोटे से हाथ को मीठा, यानी कि इस लिटिल हैंड को मीठा नहीं कर सकती हैं। अब अरब की परफ्यूम की अगर बात की जाए तो बताओ कौन सा ऐसा हाथ है, कौन सा ऐसा गंदा हाथ है कि अरब की परफ्यूम लग जाए और उसको वो महका ना सके। ये तो सरासर गलत है ना, ये तो सरासर ऐसा लग रहा है बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो कि अरब की परफ्यूम भी इतना, मतलब इतना गंदा हाथ है कि अरब की परफ्यूम भी उसको, उसके हाथ को साफ़ नहीं कर सकती या महका नहीं सकती, तो मेटाफर तो हो नहीं सकता। ऑक्सीमोरोन भी नहीं है, एपोस्ट्रोफी तो डायरेक्ट एड्रेस है, यहाँ पर हाइपरबली हो जाएगा। सो यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला जो वर्ड है आपका, सॉरी अगला का जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोइक। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड्स ओनोमेटोपोइक है। मैंने बताया था साउंड से रिलेटेड है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, साउंड बस। तो कैरी, कैरी मतलब तो ले जाना होता है, बियर मतलब सहना भी होता है, थकना भी होता है, फियर मतलब तो डर होता है, ये तो कहीं ना कहीं सबके मीनिंग है, ये कहाँ साउंड निकाल रहे। लेकिन बग, बग ये साउंड निकालता है। बग क्या है? एक साउंड है, एक आवाज़ है, एक ध्वनि, सॉरी एक साउंड है, एक ध्वनि है, तो ये याद रखना है। बग क्या है? एक साउंड है, एक ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि, आई थिंक मैंने हिंदी सही लिखा है। ओके, मिटाई दे रही हूँ, एक ध्वनि है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। ये PGT 2000 में भी आया था, ये आपके प्रीवियस ईयर भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो ये बताना है कि ये बताना है कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, परसोनिफिकेशन, पैराडॉक्स या मेटाफर, कौन सी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है हैप्पीनेस वाला? सो यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पीनेस को ही क्या कह दिया गया है, द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कह दिया गया है, यानी कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंपैरिजन कर ली गई है, हैप्पीनेस को ही जनरल ड्रामा ऑफ पेन कह दिया गया है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन जो होती है वो आपका मेटाफर होता है, और लाइक और एज लगा के अगर कंपैरिजन होती है तो वो आपका सिमली होता है, ये याद रखना है, और जो डायरेक्ट होता है वो मेटाफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो एपोस्ट्रोफी है,
ये भी आपके पीजीटी में पूछा गया था. मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स पेट्रियोटिज्म व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम माय लव इज़ अ रेड रोज ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. एपोस्ट्रॉफी में मैंने क्या कहा था, या तो आपका एपोस्ट्रॉफी में याद रखिएगा, या तो ये वाला साइन रहता है, एक्सक्लामेटरी साइन रहता है, या फिर ये याद रखना है कि उसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस होता है. डायरेक्ट एड्रेस मीन्स किसी को डायरेक्ट पुकारते हैं कि कोई ऐसा डेड पर्सन हो गया, कोई अब की जो कोई ऐसी मतलब कोई वस्तु हो गई, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया, आइडिया हो गया, उसको क्या कर देता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है. तो मैन इज़ द मेजर, यहाँ पे तो कहीं नहीं डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है. माई लव इज़ अ रेड, ये भी तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है. यहाँ पे किया, भले ही यहाँ पे आपका एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं है, कॉमा कर दिया है, तो एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं आता, कॉमा भी आता है. तो पैट्रियोटिज्म, कहीं ना कहीं पैट्रियोटिज्म को क्या कह रहा है, एड्रेस कर रहा है. आगे फिर बोला व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द पेन इज माइटियर दैन शोवर्ड. तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन या मिटोनमी, कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है आपने बताना है. यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. द पेन इज माइटियर दैन शोवर्ड, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपकी मिटोनमी हो जाएगी. क्या हो जाएगा, मिटोनमी. मिटोनमी मतलब क्या होता है, यानी कि मतलब ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी वस्तु के लिए उनका नाम कहा जाता है. जैसे मैंने कह दिया द पेन इज माइटियर दैन शोवर्ड, या फिर मैंने कह दिया, या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा वी विल स्वेर लॉयल्टी टू द क्राउन. ठीक है, टू द क्राउन. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी विल स्वेर लॉयल्टी टू द क्राउन. तो यहाँ पे क्राउन की बात कह रहा है ना, कि वी विल स्वेर, हम कसम खाते हैं लॉयल्टी टू द क्राउन. क्राउन की बात कर रहा है, यहाँ पे किस क्राउन की बात हो रही है, क्राउन यहाँ पे बात हो रही है इन प्लेस ऑफ अ रॉयल पर्सन, एक रॉयल पर्सन की बात हो रही है. ठीक है, एक रॉयल पर्सन की बात हो रही है. ठीक है, रॉयल पर्सन की बात हो रही है. उसी तरह और भी एग्जांपल ले लेते हैं मिटोनमी का, चेंज ऑफ नेम होता है मिटोनमी का. और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा द व्हाइट हाउस विल बी मेकिंग. समझाना नहीं था लेकिन आ गया, तो इसको समझाएंगे. वैसे मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगी, सैनिक डॉक और मिटोनमी का, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. इस क्वेश्चन में तो नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन हाँ अब लेके आऊँगी इसके लिए अलग से वीडियो, तो वहाँ पे हम अच्छे से इसको समझेंगे. मेकिंग एन, ठीक है, अनाउंसमेंट अराउंड नून टूडे. अब इसमें बताना है व्हाइट हाउस विल बी मेकिंग एन अनाउंसमेंट अराउंड नून टूडे. यहाँ पे अब व्हाइट हाउस किसके बारे में बात किया गया है, व्हाइट हाउस कोई घर थोड़ी ना बात कर रहा है. व्हाइट हाउस यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, व्हाइट हाउस इज इन प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है. प्रेसिडेंट ही तो रहता है व्हाइट हाउस में, तो हम प्रेसिडेंट ना बोल के व्हाइट हाउस बोल दें, तो व्हाइट हाउस भी हमको अंडरस्टूड हो जाता है कि प्रेसिडेंट की ही बात हो रही है. चेंज ऑफ नेम, या फिर आप सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो, उसका एकदम नज़दीकी सब्स्टिट्यूट हम बोल सकते हैं, उसी को कहा जाता है मिटोनमी. ठीक है, उसी को कहा जाता है मिटोनमी. जैसे किसी के नज़दीकी सब्स्टिट्यूट हम बोल सकते हैं. अब क्राउन हम बोलते हैं क्राउन, तो क्राउन हम किंग या क्वीन को बोलते हैं. किंग या क्वीन ना बोल के हम बस उसका नज़दीकी जो है, अब क्राउन की किंग या क्वीन ही पहनते हैं, तो उसका नज़दीकी चीज़ क्या है, क्राउन है, तो हम क्राउन बोल देते हैं. तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है, मिटोनमी समझ में आ गया, तो सैनिक डॉग जो होता है वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती होगी, वहाँ पर भी मैं समझा दूँगी अभी. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हम समझेंगे अच्छे से, मिटोनमी और सैनिक डॉग. अभी मैं सैनिक डॉग का भी बताती हूँ यहाँ पे. अब हम सैनिक डॉग का भी यहीं पे देख लेते हैं.
सैनिक डॉक का भी देख लेते हैं कि सैनिक डॉक क्या होता है। सैनिक डॉक मतलब पूरे की जगह आधे का इस्तेमाल करना या आधे की जगह पूरे का इस्तेमाल करना, उसी को ही कहा जाता है सैनिक डॉक। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, सैनिक डॉक। अब हम इसको भी समझेंगे क्या होता है ये सैनिक डॉक। ये क्या करता है, ये करता है जो मतलब टू डिस्क्राइब होल एज पार्ट और पार्ट एज होल, टू डिस्क्राइब होल एज पार्ट आर पार्ट एज होल। ठीक है, यहाँ पे कह क्या रहा है कि पूरे की जगह आधे का यूज करना और आधे की जगह पूरे का यूज करना, उसे ही सैनिक डॉक कहते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा इंडियन विमेन, इंडियन विमेन डिफीटेड इंग्लिश डिफीटेड इंडियन विमेन डिफीटेड इंग्लिश विमेन बाय 100 runs। अब यहाँ पे हम समझेंगे, या फिर यहाँ पे विमेन को अगर हम हटा दें, हो सकता है कंफ्यूज कर दे आपको, इसको भी हटाते हैं। अगर मैंने कह दिया कि इंडिया डिफीटेड इंग्लिश बाय 100 runs, तो इंडिया ने इंग्लिश को 100 runs से क्या किया, डिफीट किया, हराया। तो इंडिया ने हराया, इंडिया थोड़ी ना हराता है, इंडिया के जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं इंडिया के, उन्होंने हराया ना। तो खिलाड़ी ना बोल के हम इंडिया बोल दें, खिलाड़ी वो पार्ट हो गया, पार्ट ना बोल के हम पूरा होल ही बोल दें, पूरा होल बोल दें, तो ये होता है सैनिक डॉक। ठीक है, उसी तरह और भी देख सकते हैं, इंडिया किल्ड मेनी सोल्जर्स, इंडिया किल मेनी सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान। बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया किल्ड मेनी सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया के जो मतलब इंडिया ने पाकिस्तान के सोल्जर को, बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया। तो इंडिया ने थोड़ी ना मारा, जो इसमें है, इंडिया में जो है, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो मारते हैं, जो काम करते हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन वहाँ पे वो पार्ट ना नाम लेके हमने पूरा होल बोल दिया, यहाँ पे होल की बात कर रहा। तो ये हो गया सैनिक डॉक। ठीक है, ये हो गया सैनिक डॉक। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी हम समझेंगे। तो ये समझ जाइए कि ये होल की मतलब पार्ट की बात करता हो, पूरे हो, मतलब पूरे की जगह आधे का इस्तेमाल करना या आधे की जगह पूरे का इस्तेमाल करना, वही आपका सैनिक डॉक होता है। और मिटोनमी क्या होता है, लैटिन वर्ड मिटोनमी, मिटोनमी मीन्स चेंज ऑफ नेम। मिटोनमी क्या होता है, चेंज ऑफ नेम। ठीक है, चेंज ऑफ नेम मतलब किसी वस्तु का नाम चेंज कर लेना फिर भी वो समझ आए। अब जैसे हम किंग ना बोल के क्राउन बोल दे, तो ये मिटोनमी है, इजी है, बस उसके नज़दीकी वर्ड। जैसे मिटोनमी में क्या होता है, उसके नज़दीकी हम कोई वर्ड अगर उसको ना, उसका ना मतलब रियल नेम ना लेके, रियल नेम हम ना लेके उसके एकदम नज़दीकी, जो उसके एकदम जुड़ा हुआ हो, एसोसिएट हो, वो नाम ले लेंगे। अब जैसे किंग ना नाम लेके हम क्राउन ले रहे हैं, अब क्राउन किससे जुड़ा है, किंग से एकदम जुड़ा हुआ है ना, तो ये ऐसा हमको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, सैनिक डॉक में नंबर की बात करता है, कहीं ना कहीं क्वालिटी की बात करता है, नंबर की बात करता है। अभी तक जितना भी मैंने देखा तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नंबर और क्वालिटी की बात करता है सैनिक डॉक जो है। कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ पर नंबर ज़रूर रहेगा, नंबर मतलब संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, अब की जो सैनिक डॉक है, खैर हम समझेंगे उसको फिर से, हम कहीं मतलब उसको हम समझेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी, तब भी टाइम चला गया इसमें। ठीक है, मैंने बस एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे, उसको हम समझेंगे किसी दिन, थ्योरी वाली क्लास लेके आएंगे उसको, दोनों को हम एक साथ समझेंगे। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल, इसमें बताना है, PGT में भी आया था, इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, द मैन इज नो फूल, लिटोटस या फिर टोटोलॉजी, यूफेमिज्म या एपिग्राम, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो नो फूल है ना,
तो यहाँ पे द मैन इज नो फूल, तो यहाँ पे आपका कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, लिटोटस है, याद रखना है ये, ठीक है। इसमें इसमें नॉट जरूर आता है या फिर नो जरूर आएगा, इसको समझेंगे हम थ्योरी में। नेक्स्ट वन, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी या एंटीथेसिस, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। टू एयर इज ह्यूमन फॉरगिव डिवाइन, तो यहाँ पे टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, टू मतलब इसमें क्या होता है कि दो अपोजिट फ्रेज हो गए वो एक साथ रखे जाते हैं, दो अपोजिट क्लॉज हो गए हैं या दो अपोजिट फ्रेज हो गए हैं, दो अपोजिट आइडियाज़ हो गए एक साथ रखे जाते हैं, जैसे कि टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। यहाँ पे दो अपोजिट आपके फ्रेज या फिर आइडियाज एक साथ रखे जाते हैं, उसे एंटीथीसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज, देखिए यहाँ पे पार्ट फॉर द होल की बात कर रहा है ना, होल से पार्ट से होल की बात करता है, तो कौन करता है, अभी हमने बताया सैनिक डॉग की करता है, सैनिक डॉग, ठीक है। अब यहाँ पे दे एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है जिसे मैंने कह दिया, सी सोव्ड हर न्यू व्हील्स, अब ये बताइए यहाँ पे ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, बस सैनिक डॉग को मिटोनोमी में आप लोग बता दीजिएगा, खैर लाइव तो नहीं है, बस इतना बताइएगा ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सी सोव्ड हर न्यू व्हील्स, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आई होप कि आप लोग जान गए होंगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने अपने नए व्हील्स को दिखाया, अब भाई व्हील्स मीन्स क्या होता है, पहिया, क्या होता है पहिया, पहिया को थोड़ी ना दिखाएगा वो, व्हील्स का मीन्स यहाँ पे कार की बात कर रहा है, कार, अब कार का एक पार्ट है पहिया, है ना, कार का एक पार्ट है पहिया, तो इसको थोड़ी ना दिखाएगा, वो कार को दिखाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे व्हील्स, तो ये हो गया कार का एक पार्ट यहाँ पे बात कर दिया, तो ये वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, सैनिक डॉग हो गया, सी सोव्ड हर न्यू व्हील्स, अब वो वे कार ना बोल के व्हील्स बोल दिया, कार का एक पार्ट यहाँ पे, तो यही है पार्ट का होल, होल का पार्ट की बात करता है वो सैनिक डॉग बात करता है। और वैसे आप लोग बताइएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने बता तो दिया आप लोग के हिसाब से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट वन है द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज, द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज, यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, रिदम, मिलोडी या फिर एसोनेंस, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वाउल साउंड की ही राइमिंग पूछा गया है ना, विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं होगा, वाउल साउंड की ही राइमिंग होगी, तो असोनेंस के अलावा कौन हो सकता है, एलिट्रेशन नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स, अलोन, अलोन, ऑल, ऑल, अलोन, अलोन, ऑन अ वाइड वाइड सी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए अलोन साउंड और अक्षर जो लेटर है वो भी बिगनिंग शुरुआत में ही बार बार रिपीट हो रहा है, अक्षर भी लेटर भी रिपीट हो रहे हैं, लेटर भी रिपीट हो रहे हैं, साउंड भी रिपीट हो रहा है, दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, अलोन 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 बार बार आ आ रहा है, यानी कि ये साउंड है, साउंड भी रिपीट हो रहा है, और ये भी रिपीट हो रहा है कि क्या रिपीट, क्या है ये, कॉन्सोनेंट साउंड है, आ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे सारा ही कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, राइट आंसर यहाँ पे आपका एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें अलोन, लोन, लोन, तो यहाँ पे क्या है, सब कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पे आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, मेटाफर, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, अथॉरिटी जो है वो भूल गई है एक डाइंग किंग को, कौन सी अथॉरिटी, मतलब क्या होता है, अधिकार, राइट्स, अथॉरिटी मतलब अधिकार या राइट, तो वो भूल गई है राइट, अधिकार, अधिकार क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसा बनाया कि वो भूल गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है भूल गया,
तो ये कौन हो सकता है, परसोनिफिकेशन ही हो सकता है। नेक्स्ट वन थोड़ा जल्दी लिख करते हैं, विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फ्रेंडशिप इज द सेल्टरिंग ट्री। यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, फ्रेंडशिप इज सेल्टरिंग ट्री, कौन सी ये फिगर ऑफ स्पीच है, सिंपली एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबली या फिर आपका मेटाफर। तो फ्रेंडशिप को ही क्या बना दिया गया है, सेल्टरिंग ट्री बना दिया गया है, फ्रेंडशिप को ही सेल्टरिंग ट्री बना दिया गया है। तो डायरेक्ट कोई चीज़ कंपैरिजन होती है तो वो आपका मेटाफर हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन जल्दी जल्दी करते हैं, मिल्टन थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबली, सिंपली। तो यहाँ पे मिल्टन को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए मिल्टन करके एक्सक्लेमेटरी मार्क कर दिया गया है, आप ऐसे ही पहचान जाओगे, एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट वन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, द प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, वेरी वे कौन सी ये फिगर ऑफ स्पीच है, प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट ये है, ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब यहाँ पे हम समझेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, एपिथेट मतलब विशेषण, हस्तांतरित जो विशेषण होते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी नाउन की जगह कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करना या किसी एग्जिटिवल फ्रेज का प्रयोग करना जो नाउन के बराबर ही सेंस देता हो पर इनडायरेक्ट देता हो, ठीक है, उसे ही कहा जाता है ट्रांसफर एपिथेट, मतलब जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के मुख गुण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे, वेरी वे, वे मतलब यहाँ पर रास्ता होता है, मतलब वियरी वे यहाँ पे वो रास्ता होता है जिस रास्ते से वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, रास्ता अब रास्ता थोड़ी ना थका है, थके तो प्लूमैन है, थके प्लूमैन है, बट यहाँ पे ये जो विशेषण लगा दिया है ये किसी और पे लगा दिया, यानी कि किसी नाउन की जगह यहाँ पे लाना चाहिए था ये प्लूमैन को, प्लूमैन की बात कर रहा है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया गया है, ये याद रखना है। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, रास्ता थोड़ी ना थका हुआ है, यहाँ पे प्लोमैन थका हुआ है ना, तो इस यहाँ पे वियरी प्लोमैन की जगह पे आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना। जैसे मैंने कहा ही हैड अ स्लीपलेस नाइट, अब ही हैड अ स्लीपलेस नाइट मतलब उसके लिए स्लीपलेस नाइट थी ना, यहाँ पे उस पर्सन के लिए जो नाउन है इसके लिए थी, यहाँ पे आना चाहिए इसके लिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, नाइट के लिए, नाइट थोड़ी ना स्लीपलेस है, इसके लिए ये स्लीपलेस नाइट थी, तो ये याद रखना है। जैसे और भी एग्जांपल, आई हैड अ रेस्टलेस डे। तो अब यहाँ पे रेस्टलेस डे कोई रेस्टलेस डे होता है नहीं, मेरे लिए है ना रेस्टलेस, इसके लिए थोड़ी ना डे, मतलब कोई रेस्टलेस डे थोड़ी ना होता है, तो यही होता है, मतलब किसी नाउन की जगह कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करना, ठीक है, जो नाउन के बराबर ही सेंस देता हो लेकिन इनडायरेक्ट यूज़ करना, जैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट यूज़ कर रहा है, जो नाउन के बराबर ही सेंस दे रहा है, ये जो आपका एपिथेट है यहाँ पे यूज़ हुआ जो कि यहाँ यूज़ होना चाहिए, ठीक है, तो ये है ट्रांसफ़र एपिथेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पन, परसोनिफिकेशन, सिमली या फिर आपका ऑक्सीमोरोन, कौन सी यहाँ पे आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वेयर ब्यूटी कैन नॉट, ब्यूटी को ही बना दिया गया है, इंसानों की तरह बात हो रही है, परसोनिफिकेशन। नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन था भाई, ओ शिट, मुझे लगा 60 क्वेश्चन कराने थे लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन ही थे, मुझे लगा 60 क्वेश्चन होगा, खैर इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन ही थे, इतना ही शायद बना होगा, चलिए फिर रहने देते हैं इतने में, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट में करने वाले हैं। ओके, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए, PDF तो अभी नहीं मिलेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही PDF आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, तो मेरे WhatsApp एंड Telegram पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से PDF मिल जाएगा, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जो चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई, जैसे आपके लिटोटस हैं
ट्रांसफर एपिथेट हैं, कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, वो हम समझने वाले हैं किसी थ्योरी वाली क्लास में हम समझ जाएंगे। और मिटोनमी और सैनिक डॉटे अगर समझ में नहीं अभी भी नहीं आया है तो हम किसी नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे इसको, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।